इन्फिनिक्स इन्फिनिक्स इन्फिनिक्स, तो भैया इस टाइम पर मार्केट में छाया हुआ है इन्फिनिक्स। जी हाँ, क्योंकि वो आपको कम से कम पैसों में अच्छे से अच्छे फीचर्स देने की कोशिश करता है। तो चलिए आज के इस तोड़ू फोड़ू और इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं, बिकॉज दिस इज द राइट चॉइस बेबी। आहा, तो फिलहाल आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स स्मार्टफोन के बारे में और जानेंगे कि क्या इसके खास स्पेसिफिकेशंस हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर। पासवर्ड क्या था? तो चलिए आज के इस तोड़ फोड़ झकास वीडियो को शुरू करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन में डिस्प्ले की। तो आपको इस फोन में डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है 6.6 इंच की, 6.5 इंच की आपको इस फोन में डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। काफी बड़ी डिस्प्ले है, मजा आएगा आपको फोन चलाने में। और यहाँ पर आपको बैक प्रोटेक्शन देखने को मिलती है पॉली कार्बोनेट की। तो इंफिनिक्स के भैया हर स्मार्टफोन में पॉली कार्बोनेट ही आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं इस फोन के फ्रंट कैमरा के बारे में, तो आपको यहाँ पर फ्रंट कैमरा देखने को मिलने वाला है 8 मेगापिक्सल का। बहुत ज़्यादा नहीं है बट ठीक है। और अगर साथ साथ बात कर लेते हैं इस फोन के रियर कैमराज के बारे में, तो भैया आपको इस फोन में रियर में 4 कैमराज देखने को मिलने वाले हैं। 4 कैमराज नहीं है, कैमरा सिर्फ 3 है। यहाँ पर एक लास्ट में लो लाइट सेंसर दिया गया है, जिसको आप लोग कैमरा कहते हैं। तो यहाँ पर जो मेन प्राइमरी कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल का अभी तक 2.0 के साथ में, और जो सेकेंडरी और थर्ड कैमरा है वो है 2.2 मेगापिक्सल का, और फोर्थ तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, लो लाइट सेंसर है, जो कि आपको रात में वीडियो शूट में मदद करेगा। और अगर बात कर लेते हैं इस फोन में स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के बारे में, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है 85% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। और अगर बात कर लेते हैं इस फोन में ताकत किस प्रोसेसर की लगी हुई है, तो इस फोन में प्रोसेसर लगा हुआ है मीडियाटेक हीलियो A25। प्रोसेसर के मामले में थोड़ा सा डाउन रहता है। तो इस फोन में आपको रैम और रोम देखने को मिलने वाली है 4GB एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन डेली यूज के लिए काफ़ी ज़्यादा। और अब बात कर लेते हैं आपकी सिक्योरिटी के बारे में। जी हाँ, इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट बैक पैनल पर देखने को मिलने वाला है, जो कि ठीक ठाक वर्क करेगा। बहुत फास्ट नहीं तो स्लो भी नहीं, ठीक ठाक वर्क करेगा। और अब अगर बात कर लेते हैं सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के मेन पार्ट के बारे में। जी हाँ, इस फोन में आपको बैटरी देखने को मिलने वाली है पूरे के पूरे 5000 mAh। मतलब इस फोन की बैटरी आपके साथ काफ़ी लंबे समय तक देगी। तो अब बात कर लेते हैं इस फोन के चार्जिंग सिस्टम के बारे में। तो फिलहाल अभी फोन लॉन्च तो नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी वालों को कहना है कि ये फास्ट चार्जर दे रहे हैं साथ में, जो कि आपके फोन को 2 से 2.5 घंटे में चार्ज कर देंगे। तो 2 से 2.5 घंटे में चार्ज कर रहा है तो फास्ट करेगा भाई। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ओवरऑल अगर बिल्कुल लास्ट में बात कर लेते हैं इस फोन के प्राइस के बारे में, तो भैया इस फोन का प्राइस 9000 से 10000 के बीच में देखने को मिलने वाला है। एक्सपेक्टेड है, बट बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, लेकिन 10000 के अंदर है तो ये फ़ोन ठीक है। लेकिन 10000 रुपये से ऊपर बढ़ते ही ये फ़ोन अपने स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस पे पहुंच जाएगा। तो आई डोंट थिंक सो कि 10000 रुपये से ऊपर इस फ़ोन को खरीदना चाहिए। और ये फ़ोन 29 या 30 मई को लॉन्च हो सकता है, अभी कन्फर्म नहीं है, एक्सपेक्टेड है, पोस्टपोन भी किया जा सकता है, लेकिन उम्मीद है कि ये 29 या 30 तारीख में लॉन्च हो ही जाएगा। तो इंतजार करेंगे हम इस फोन के लॉन्च होने का, ताकि किस प्राइस बेस पर ये आता है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपके कोई एडवाइस हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो अरे भैया, थोड़ा टिकटॉक के बारे में बताना था। अभी वीडियो में बहुत कुछ बाकी है, इनकी सुन लो पहले। बाय। क्या बोलना था? चोर है, चोर है। अरे भैया चश्मा उतार लो और टोपी भी। और बाल भी ठीक कर लो। चोर चोर चोर। जी हाँ, टिकटॉक के काफी ज्यादा जो क्रिएटर है वो चोर ही हैं। जी हाँ, किस तरह से? क्योंकि वो दूसरे के डायलॉग को कॉपी करते हैं, चोरी करते हैं। बट आई मीन आलिया भट्ट वाला, बट वहां पर कुछ अच्छे क्रिएटर भी हैं। मतलब अच्छे क्रिएटर 5 या 10% नहीं, केवल 5% ही हैं। तो उन्हीं 5% जो क्रिएटर्स हैं उनके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। एक वीडियो अच्छी और एक वीडियो बुरी, क्योंकि भैया टिकटॉक इस लायक नहीं है कि उसकी बिल्कुल तारीफ ही करी जाए। मतलब सिर्फ और सिर्फ तारीफ करी जाए, टिकटॉक इस लायक नहीं है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। ये बात हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते सभी स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि 15 जुलाई से स्कूल खुल सकते हैं। हालांकि स्कूलों को ये 5 नियम मानने होंगे। स्कूल के अंदर एक दिन में 30 से 50%। तो ये वीडियो थी पूरे के पूरे 1 मिनट की। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ न्यूज या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। लेकिन अदर हैंड अगर आप देखते हैं इस वीडियो, दूसरी चीज, फेस मसाज ऐसे नहीं करनी चाहिए जैसे मैं अभी करके दिखाने वाला हूँ।
किसी चीज फेस वॉश करने के बाद ऐसे पानी को जब हम लोग पोंछते हैं तो बहुत गलत तरीके से पोंछते हैं, ऐसा नहीं करना। ये वीडियो थी 30 सेकंड की, जलील पना देखा आपने भाई साहब का, मतलब 30 सेकंड में उन्हें वो सब चीजें बताई जो नहीं करनी चाहिए लेकिन जो करनी चाहिए वो बताने ही वाले थे कि वीडियो एंड हो गई। भाई साहब टिकटॉक पे एक मिनट तक की वीडियो अपलोड हो सकती है लेकिन क्या ऐसे लोग कभी एक मिनट की वीडियो अपलोड करेंगे? अजी घंटा, ये लोग 15-15 सेकंड की 4 वीडियो अपलोड करेंगे, एक वीडियो कभी अपलोड नहीं करेंगे। अब आप लोग ये वाली वीडियो देखिए एक बार। सुबह की ये 5 गलत आदतें जो आपके वेट बढ़ने की बड़ी वजह हो सकती है। ओवर स्लीपिंग, अगर आप रात को 9 घंटे से ज्यादा सोते हैं तो ये आपके वेट बढ़ने की वजह हो सकता है। ये वीडियो पूरे के पूरे 1 मिनट की थी। आई होप आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो हेल्थ से रिलेटेड। अगर आप इन टिप्स का यूज करते हैं तो आप अपनी हेल्थ को अच्छा रख पाएंगे। अब अदर हैंड अगर देखते हैं एक बार इस वीडियो यही तो हम देखने जाते हैं टिकटॉक पर, है ना, मजा आना चाहिए बस भैया, कंटेंट गया, समझ गया होगा। इन लास्ट आप लोगों को एक गुड न्यूज देनी थी, टिकटॉक की तरह ही एक एप्लीकेशन आ चुका है प्ले स्टोर पर जिसका नाम है मित्रो, जो कि 5 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं। तो आप लोग भी उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए बिकॉज ये एक इंडियन एप्लीकेशन है। तो अब तुम्हारा हो गया हो तो तुम जाओ, हम भी बता दी जा रहे हो गया हमारा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और हाँ अगर चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई एक्साइटिंग और यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।